एंड गो इंट्रो करवाने हो। हे गाइस आगे बोलो। हे गाइस के बाद बोलो मेरा दांत इतना क्यों दिखता है सुनने का टाइम पे। जल्दी करो लेट हो। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। So guys, ये वीडियो करने का पर्पस इज सबको पता है, मैंने कुछ टाइम पहले मतलब 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला हुआ था कि मतलब रीजन कि मैं क्यों व्लॉग नहीं कर पा रही थी। तो मुझे पता है मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अनयूजुअल और मतलब उनकी टाइमिंग इतनी ज़्यादा सड़ेली हो चुकी है कि मैं कभी मुंबई में रहती हूँ और फिर नेक्स्ट व्लॉग आपको बनारस में दिखने को मिलता है। तो उसका रीजन है जो मैंने पोस्ट किया था और बहुत सारे लोगों ने गेस किया है, बहुत अतरंगी मेरे को बीमारियां बताई हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरे को डिहाइड्रेट पूछा है नहीं, मैंने पूछा अरे गेस करो, मैं थोड़ा से वाइब क्रिएट कर रही थी ना कि मैं जब वीडियो करूँ। तो काफी लोगों ने बोला इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, किसी ने बोला बीपी लो हो गया है, कोई बोलता है कोरोना हो गया है, कोई बोलता है ऐसे ही टाइम पास हो गया है। बट द रियलिटी इज हम वीडियो क्यों नहीं कर पा रहे थे, जो काफी लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया, मेरे को नहीं पता कैसे, लेकिन जो मेन रीजन है जिस वाइब आ जाती है। हाँ हो सकता है शायद वाइब आ जाती है कुछ लोगों को। तो द एक्चुअल रीजन इज कि हम वीडियो क्यों नहीं कर पा रहे थे अभी बता, उसका रीजन है क्या 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 है गाइस, कमेंट करो अगर आप अभी भी नहीं जाने हो तो मतलब क्या ही है यार गाइस। रीजन इज बोलो नहीं, वी आर वी आर प्रेग्नेंट, वी आर प्रेग्नेंट गाइस। So it's been 4 months. I got to know on 20th Feb this year, obviously. So the next person I told was him, obviously. ये हम मेरे साथ थे वो टाइम पे, तो इनको पता चला। हमने रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब इनका तो रिएक्शन ऐसा कुछ था नहीं। जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा रहेगा मेकअप प्रैंक वाला, उनको पता चल चुका होगा कि इनका रिएक्शन वैसे भी कुछ होता नहीं। आपका रिएक्शन सच में कुछ नहीं था बताने के टाइम पे। अब क्योंकि हमने अपना रिएक्शन तो लिया नहीं, तो लेट्स सी ये गुड न्यूज़ सुन के हमारे फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन क्या होता है। रुको जरा सबर करो। ये कैसे बोल पे तो मुझे तो शादी की है।
ये एनिमल हो गया, ये एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब कौन सा तुम पहले गेस करना चाहते हो, तुम्हारी चॉइस है। मेरा भाई 1,00,000 रुपए। कितना चांस अगर गलत हो रहा था तू बता ना। चार जिंदा मंडल का सिंपल सिंपल मिल रहा है तुझे इसलिए बेटा। ये एक्टर एक्ट्रेस कोई भी लड़की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पिक्शनरी खेल रहे प्रार्थो के साथ। दो सही जवाब दे चुका है, ठीक है। ये तीसरा वाला इसको सही देना है तो ये जीत जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे समझेगा? अरे कैरेक्टर तो समझा, लड़की है। हाँ वैसा बोलते रहे, गेस कर ये सारी चीजें, अभी तू जीत पाएगा। इतना तो मेरे को दिख रहा है लड़की है। लड़की को पेट है। प्रेग्नेंट है। क्वेश्चन मत क्या है? क्वेश्चन पूछ तो बताऊंगी ना। तो ये क्या है, वही तो पूछो। क्वेश्चन मार्क है तो वही तो पूछो, क्या है वो क्वेश्चन मार्क? क्यों है? क्यों है मतलब ये कौन है, कौन सा कैरेक्टर है ये? प्रेग्नेंट औरत जिसमें है। मुझे क्या मालूम कैरेक्टर, बता। ऐसे थोड़ी ऐसा तो तुम बहुत लोग है। Two thousand years later. इतना टाइम लेगा, मेरा हाथ दुख रहा है। बताओ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मामा बनने वाला। गेस करो। तू भी होगी। कल सरप्राइज मिला। जब यहाँ आने वाला तो मतलब जो कब से, इसको तो एक हफ्ता हो गया आके। हाँ तो तुम तो से नहीं बताई थी किसी को? नहीं, कल इसलिए तो तेको फोन करी थी बार बार, सबके साथ में बताई। हम जो बोलेंगे वो रिपीट करना है, ठीक है मेरे साथ? ठीक है, जो बोलेंगे वो रिपीट करना है। हम सब लोग खुश हैं आज। खुश हैं आज।
क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ सही है। हमको चेहरा देख के पता चल गया। सही में अभी ऐसे बोले तो हमको लगा सही में दीदी कहाँ दीदी भी सही थी। हम नहीं बोल रहे थे हमको क्या पता। कई चीज हम गेस किए हैं अभी हम आपको शाम को पूछे तब भी नहीं बचे। नहीं कब से कह रही है बउआ खिलाना है। शाम को बोल रहे थे ना ऊपर नहीं जाना है तो वही हम तब कन्फर्म हो गए। कब शाम को बोले हम नहीं नहीं आप वीडियो के लिए बोल रहे थे ना इस समय तो वीडियो के लिए बोल रहे थे वीडियो के लिए नहीं हमको वहीं से भी मालूम था। सुनीता आंटी भी आते ही बोली नहीं सही हुए दीदी इमोशनल हो गए बर्दाश्त हो ही नहीं आ रहे इमोशनल हो लगे लास्ट दिया है। यही गिफ्ट है कि आप दादा बनने वाले लीजिए। यही है। चलो भाई बधाई भाई बहुत बहुत खुशी भाई।